उम्मीद के मुताबिक जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा दिख रही है। पीडीपी 28 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। भाजपा 25 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रहकर भी वोट प्रतिशत में सबसे आगे है। मतदाताओं ने एक बार फिर गठबंधन सरकार के लिए जनादेश दिया है। रियासत के तीनों क्षेत्रों में नतीजों का मिजाज बिल्कुल अलग अलग रहा है। जम्मू क्षेत्र में जहाँ भाजपा की आंधी चली, वहीं कश्मीर में पीडीपी का बोलबाला रहा। उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के गढ़ श्रीनगर में भी सेंध लगाई है। जम्मू में भाजपा को पिछले चुनाव में मिली 11 सीटों के मुकाबले दुगने से भी अधिक 25 सीटें मिली हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें 28 से घटकर 15 पर सिमट गई है, जबकि कांग्रेस का ग्राफ 17 से गिरकर 12 पर अटक गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सोमवार से चुनाव हार गए हैं, वहीं बिरवाह की जीत से उनकी प्रतिष्ठा रख ली है। पीडीपी के संरक्षक और मुख्यमंत्री पद के चेहरे मुफ्ती मोहम्मद सईद अनंतनाग से चुनाव जीते हैं। लद्दाख से सबसे अलग तेवर दिखाते हुए 4 में से 3 सीटें कांग्रेस को दी हैं। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।